नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर, फोकस सीरियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं प्रदीप कुमार आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम साइंस से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कॉल करेंगे जो आपके पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए हैं दोस्तों, और आपके आगामी आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है, दोस्तों आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। दोस्तों ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है दोस्तों, और ये कई तरह से पूछा जाता है। चलिए बताते हैं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का दोस्तों रेशियो पूछा कितना होता है। इसमें दोस्तों 6000:5:4, इसमें दोस्तों 5000:3:1, इसमें दोस्तों 6000:1:40 है दोस्तों, इसमें 5000:2:40। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लेकिन दोस्तों इसको कई तरह से पूछा जा सकता है, जिससे आपका आरबीसी या प्लेटलेट का सही पूछ ले। देखिए दोस्तों आरबीसी, ठीक है दोस्तों अब ध्यान समझिएगा, और प्लेटलेट का पूछ ले। तो दोस्तों आरबीसी का कितना है आपका 6000 है, ठीक है दोस्तों, प्लेटलेट का 40 है। तो दोस्तों इसको इस तरह से पूछ सकता है, इसको जैसे 0 से 0 काट देंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये इधर 15 से कट जाएगा दोस्तों, ये 1 हो जाएगा, 15:1 से भी दोस्तों इस तरह से भी इसको पूछा जा सकता है दोस्तों, इस तरह से रेशियो में। या दोस्तों आपका आरबीसी या प्लेटलेट्स का पूछा जा सकता है, तो आपका दोस्तों आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अगर पूछा गया दोस्तों रेशियो, तो ये आपका 6000:1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा दोस्तों, ये है, ये आप इसको याद रख लीजिए, यहीं से सब निकलेगा दोस्तों। आप इसका जितना भी ऑप्शन में रहेगा उसी अनुसार दोस्तों आप लोग इसका आंसर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया। चलते हैं दोस्तों आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दोस्तों इसको बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसमें पूछा आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, आप लोग बताइए दोस्तों, इसका बहुत पूछा जाता है ये आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। रक्त में, ऑप्शन डी अस्थमज्जा में, ऑप्शन डी है प्लीहा में, ऑप्शन डी है दोस्तों हीमोग्लोबिन में। आप लोग बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। दोस्तों ये आपका निर्माण होता है इसमें अस्थमज्जा में, ठीक है दोस्तों, और ये प्लीहा में क्या है दोस्तों, इसकी मृत्यु होती है, ठीक है दोस्तों, और ये हीमोग्लोबिन जो है दोस्तों, ये हीमोग्लोबिन जो है इसके कारण रक्त का लाल जो है दोस्तों, रक्त का लाल जो होता है उसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है दोस्तों, रक्त जो लाल होता है दोस्तों ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और आरबीसी का निर्माण दोस्तों इसमें होता है अस्थमज्जा में होता है दोस्तों, और मृत्यु जो है दोस्तों आपका प्लीहा में होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके सामने है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों, इनमें कौन सा रंग दृष्टि संबंधित है। दोस्तों इसमें पूछा कौन सा रंग जो है दृष्टि संबंधित है, रंग के बारे में कौन बताता है दोस्तों। आपका रोड्स, ऑप्शन बी है दोस्तों शंकु, ऑप्शन सी है दोस्तों ऑप्टिक डिस्क, ऑप्शन डी है आयरिस। दोस्तों आप लोग इसका बताइए क्या होगा। इसका दोस्तों आपका होगा शंकु। शंकु में जो होता है दोस्तों आपका रंग से संबंधित बातों का पता चलता है। देखिए दोस्तों ये होता है रेटिना आपका, ठीक है दोस्तों, रेटिना। इसमें दो होते हैं, एक होते हैं दोस्तों रोड, ये रोड्स होता है, ठीक है दोस्तों, मतलब होता है एक आपका हो गया रोड्स, रोड सेल होता है, ठीक है दोस्तों, रोड सेल होता है। और एक दोस्तों आपका होता है कॉन सेल होता है, ठीक है दोस्तों, कॉन सेल मतलब ये शंकु वाला है, ठीक है दोस्तों, और ये दोस्तों आपका है छड़, ठीक है दोस्तों। तो इसमें दो होते हैं दोस्तों, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। इसमें दो रॉड सेल में दोस्तों आपका डे और नाइट का पता चलता है, डे और नाइट का पता चलता है, ठीक है दोस्तों, और इसमें जो है दोस्तों आपका कलर्स का पता चलता है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया। दोस्तों ये रेटिना पे दो होते हैं, एक रॉड सेल होता है, कॉर्न सेल होता है। इसमें दोस्तों आपको दिन और रात का पता चलता है, इसमें दोस्तों आपको रंगों के बारे में जानकारी मिलती है, शंकु जो होता है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये रहा आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें पूछा हुआ है इन फूलों में से क्या दोस्तों, इन फूलों में से कौन सा पौधे के लिए एक लता है। दोस्तों ये नीचे फूल दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा पौधे का एक लता है आप लोगों को बताना है दोस्तों।
ऑप्शन ए चमेली, ऑप्शन बी है गुलाब, ऑप्शन सी है सूरजमुखी, ऑप्शन डी है हिबिस्कस। आप लोग दोस्तों इसमें बताइए क्या होगा इसका आंसर, कौन सा रंग है जो पौधे का एक लता है। आपका ऑप्शन नंबर ए होगा चमेली। चमेली जो है दोस्तों ये पौधे का एक लता कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, चमेली को कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आएगा। चलते हैं दोस्तों आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये रहा आज का क्वेश्चन हमारा लास्ट है दोस्तों, जो कि आपके लिए। दोस्तों आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा हो लेकिन दोस्तों बहुत आसान है, आप लोग अगर ध्यान से पढ़िए तो इसका आंसर आप दोस्तों सेकंडों में बता देंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा पदार्थ समुद्र में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और एक निश्चित कमी वाले रोग में प्रसारित है। दोस्तों आप जैसे समुद्र में नाम आ गया दोस्तों, आप लोगों को पता हो गया समुद्र में क्या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आपका ऑप्शन है आयरन, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी है दोस्तों विटामिन ए, ऑप्शन डी है फ्लोरीन। आप लोग बताइए दोस्तों क्या है ऐसा। दोस्तों क्वेश्चन बड़ा आसान है, आयोडीन है दोस्तों जो आपके समुद्र में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है दोस्तों, और इसके एक रोग में भी प्रसारित होता है दोस्तों, ये बोला गया जैसे गेंगा रोग हो गया दोस्तों, आपको इसमें ये नमक के लिए होता है, ठीक है दोस्तों, नमक के कारण होता है गेंगा रोग, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों अगर आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, इसी तरह से और वीडियो पाने के लिए। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।